दोस्तों अभी हम है ओखा बंदरगाह पर और यहाँ से अभी हम जा रहे हैं भेड़ द्वारका। और ये देख सकते हैं यहाँ पर इधर ये ब्रिज बनकर रेडी हो रहा है, और जैसे ही अगर ये ब्रिज रेडी हो जाता है तो यहाँ से फिर भेड़ द्वारका जाने में कोई दिक्कत का काम नहीं रहेगा। तो अभी हम चलते हैं भेड़ द्वारका की ओर। देख सकते हैं यहाँ पर इस टाइप की नाव आपको देखने को मिलती है, बहुत शानदार बोट है, इस पर बैठ के चलते हैं। बट धूप बहुत ज़्यादा तेज है यार, और इस वजह से हमने चश्मा लगा रखा है क्योंकि इसके तो बिना देखने की बनती नहीं है। चलिए यहाँ से चलते हैं बाकी की ओर। सो गाइस आज हम घूमने जा रहे हैं गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी में जो कि गुजरात के अंदर स्थित है। और आज मैं आपको ले चलने वाला हूं आइलैंड, जो कि आइलैंड ऑफ गुजरात या आइलैंड ऑफ इंडिया आप कह सकते हैं। वहां पर भेड़ द्वारका आज हम घूमने जाने वाले हैं, द्वारिका के काफ़ी नज़दीक में है। तो चलिए आज का ये व्लॉग वहां का रहने वाला है। देख सकते हैं यहाँ बीच रस्ते में हम जा रहे हैं, तो यहाँ से रोड के जो सीन है वो देख सकते हैं। बट हमने फास्ट फॉरवर्ड में इसे भी लगा रखे हैं ताकि आई होप अगर आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। बट एक्चुअल में जब हम ओका पोर्ट पर जाएंगे तो ओका बंदरगाह का कंप्लीट व्यू एंड सीन्स मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों आप हमारा ये व्लॉग को कंप्लीटली जरूर देखें, एंड आई होप अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज यार चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए सबसे पहले आज का जो व्लॉग रहेगा वो ओका पोर्ट का रहेगा। देख सकते हैं ये ओका फोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, और उसके बाद में नेक्स्ट व्लॉग रहने वाला है आइलैंड का। तो आप हमारा नेक्स्ट वाला व्लॉग भी कम्प्लीटली जरूर देखें। चलिए यहाँ पर अभी देख सकते हैं केंद्रीय विद्यालय आपको देखने को मिलता है यहाँ पर, और इसके साथ ही यहाँ से अभी हम जाने वाले हैं सीधे ओका पोर्ट के लिए, और वहाँ से फिर हम जहाज के जरिए, स्मॉल साइज के जहाज हैं उनके जरिए हम जाने वाले हैं सीधा बंद वहाँ पर आइलैंड भेड़ द्वारका। तो आइलैंड में आपको दिखाने वाला हूँ कैसा रहने वाला है, तो दोस्तों व्लॉग को कम्प्लीटली ज़रूर देखें। चलिए यहाँ से अब हम पहुँच चुके हैं देख सकते हैं, और यहाँ पर अभी हम हमारी कार को पार्क करते हैं, और कार पार्किंग करने के बाद मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ इंडियन नेवी का आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, और साथ ही यहाँ पर अभी हम हमारी कार को पार्क करते हैं और आगे का सीन स्टार्ट करते हैं। आगे का व्लॉग आप कम्प्लीटली ज़रूर देखें। दोस्तों गाड़ी हमने पार्क कर दी है और यहाँ से अब हम जा रहे हैं भेड़ द्वारका। तो आज का हमारा ब्लॉग रहने वाला है भेड़ द्वारका का। तो चलिए भेड़ द्वारका की ओर चलते हैं। यहाँ पर पार्किंग स्थल के अंदर हमने गाड़ी लगाई है, और फिलहाल नाव में बैठकर हम जाने वाले हैं भेड़ द्वारका। तो दोस्तों अभी हम नाव में बैठने वाले हैं, जहाज से हम जाने वाले हैं भेड़ द्वारका। तो यहाँ पर फिलहाल हम आ चुके हैं, और इस टाइप के जहाज हैं, इनमें बैठ के जाएंगे हम भेड़ द्वारका। दोस्तों ये है ओका जेटी कैंटीन, क्योंकि यहाँ ओखा बंदरगाह आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और फिलहाल ये वाला जो ब्रिज है बनकर रेडी हो जाए तो बहुत ज़्यादा काम करेगा, डायरेक्ट कार से जा सकते हैं फिर हम। ये ब्रिज देखिए बहुत, यार ब्रिज भी बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाऊंगा यार, 80% काम हो चुका है इस ब्रिज का। तो दोस्तों अभी हम है ओखा बंदरगाह पर, और यहाँ से अभी हम जा रहे हैं भेड़ द्वारका। और ये देख सकते हैं यहाँ पर इधर ये ब्रिज बनकर रेडी हो रहा है, जैसे ही अगर ये ब्रिज रेडी हो जाता है तो यहाँ से फिर भेड़ द्वारका जाने में कोई दिक्कत का काम नहीं रहेगा। तो अभी हम चलते हैं भेड़ द्वारका की ओर। देख सकते हैं यहाँ पर इस टाइप की नाव आपको देखने को मिलती है, बहुत शानदार बोट है, इस पर बैठ के चलते हैं। बट धूप बहुत ज़्यादा तेज है यार, और इस वजह से हमने चश्मा लगा रखा है क्योंकि इसके तो बिना देखने की बनती नहीं है। चलिए यहाँ से चलते हैं बाकी की ओर। तो दोस्तों ये है टिकट, दो टिकट, एक आने का और एक जाने का, 5 व्यक्तियों का है, 100 रुपये का टिकट है जो कि यहाँ से हमने लिया है। और ये ओका, ओका से हमने लिया है यहाँ से भेड़ द्वारका के लिए, 5 पैसेंजर का टिकट है। फिलहाल अभी हम नाव के अंदर बैठते हैं बोट में, और उसके जरिए हम जाने वाले हैं भेड़ द्वारका।
चलिए भाई, हम बैठ चुके हैं नाव के अंदर। और दोस्तों नाव के अंदर बैठ चुके हैं हम। जाओ कि नहीं भाई, कर रहे हैं यार, टकराव का क्या आ रही है ना यार। ए ममरा लेता पंखीड़ा में माछली नाखवा। चलो 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 च
पैंट थोड़ा मारूंगे दोस्तों। अभी हम भेड़ द्वारका पहुंच चुके हैं। यहाँ पर निकलते हैं भाई, बाहर निकलो प्रकाश बाबू निकलो। सो गाइस वेलकम टू भेड़ द्वारका, और हम यहाँ पहुंच चुके हैं। ये है भेड़ द्वारका जो कि देवभूमि द्वारका के अंदर आपको देखने को मिलती है। काफी लंबी ट्रेवलिंग करके दोस्तों हम यहाँ पर पहुंचे हैं, और आपने बीच का सीन भी देखे हुए हैं। तो ये ब्लॉग आई होप अगर आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ भेड़ द्वारका के अंदर के सीन, और द्वारका के दर्शन कराता हूँ।